तो ये जो ला दिया, जो इसको फार्मूला को डेवलप किया था, इसने किया था एम्पियर ने, यहाँ पे बाय एम्पियर्स। अब चलो अब आगे समझना शुरू करो। अभी हम लोग पढ़ेंगे दो, लिखा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, आगे लिखा है बिटवीन टू लॉन्ग डी। वो टेलीविजन पे सब चल रहा है स्क्रीन, क्यों सही है? सब क्यों बोल रहे हैं बच्चे? जाओ समझो उनको, क्या समस्या है? कोई प्रॉब्लम होगी? एसी ओसी ऑन ना हो तो ऑन कर दो, और अगर ऑन हो तो ऑफ कर दो। चलो ठीक, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैंने इसलिए नहीं बोला कि जाकर डिस्टर्ब करो, मोबाइल पे क्लास चल रही है। अब वो जो बच्चे दूसरे भी अगर खोल के पढ़ेंगे तो आपके बारे में बड़ा अच्छा इमेज उनके दिमाग में आ जाएगा कि अब चलो यहाँ पे देखो। तो इसमें दोनों वायर में करंट फ्लो कर रही है, आई वन और आई टू, और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। अब हमें निकालना है कि इसमें फोर्स कितना लगेगा। अगर हम वायर पे फोर्स निकालें तो बिना निकाले ही पता चल जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि एफ बराबर होता है बी आई एल, और अगर एल इनफाइनाइट है तो एफ का मान तो इनफाइनाइट हो गया। इसीलिए उसमें लिखा हुआ है कि पर यूनिट लेंथ निकालो। पर यूनिट लेंथ आपको यहीं पे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, प्रॉब्लम समझ आई? क्योंकि ये फोर्स अगर हम पूरे वायर पे निकालेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तब अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा सेगमेंट लेना पड़ेगा, और वो छोटा सा सेगमेंट आप चाहे पहले वाले वायर का ले लो और चाहे दूसरे वाले का ले लो, किसी का ले लो। मैंने दूसरे का ले लिया। अब बच्चों अगर ये दूसरे वाले वायर को ले लूँ, इस वाले को, अब आपका इंटरेस्ट केवल इतना है जितना आपको दिखाया जा रहा है, और इसका लेंथ हम मान लेते हैं डीएल है। इतना लेंथ है डीएल है। अब देखो उस वाले पे फोर्स कौन लगाएगा, ये वाले का फील्ड, और ये वाले का जो फील्ड होगा वो फील्ड इधर काम करेगा बी वन। इस वाले पे फोर्स कौन लगाएगा, उधर वाले का फील्ड, उधर वाले का फील्ड जो काम करेगा यहाँ पे ये काम करेगा। तो दोनों का फील्ड हमने दिखाया, वहाँ पे बी वन है और यहाँ पे बी टू है। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोटा सा सेगमेंट ले सकते हो, इस पे भी ले सकते हो, डीएल ले सकते हो। अब बच्चों मेरे को एक, कोई एक को लेना है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा डीएफ, मैंने लिखा वन और टू, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑन वन बाई टू। अब फोर्स ऑन वन बाई टू ये मेरे को निकालना है, तो मैं किस पे निकालूंगा, ऑन वन माने पहले पे निकालूंगा, और किसका फील्ड लेना है, दूसरे वाले का लेना है। तो ये वाला केस हुआ, ये वाला हुआ, यहाँ पे हुआ। अब देखो इधर इसमें करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट है आई वन डी एल, यही बात हुआ, और फील्ड अंदर फील्ड बाहर है। फ्लेमिंग का रूल लगाओ, फील्ड बाहर है, लेफ्ट हैंड में फील्ड बाहर है, करंट ऊपर है, फोर्स इधर है। तो बच्चों फोर्स इस पे इधर लगा, ये फोर्स जो लगा डी एफ वन और टू लगा, ये फोर्स लगा। ऐसे ही इस वाले पे भी मैं एक बार देखूंगा। यहाँ पे जो करंट एलिमेंट होगा ऊपर की तरफ है, यहाँ पे I2 DL होगा। बच्चों फोर्स किधर लगेगा, ज़रा लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, फील्ड अंदर है, करंट इधर है, फोर्स इधर है, फोर्स इधर है, फोर्स इधर है, फोर्स इधर है।
फोर्स इधर होगा। अब फोर्स इधर होगा तो फोर्स इधर जो हुआ वो हुआ दूसरे पे और पहले से। इसका मतलब ये दोनों करंट अगर एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? अट्रैक्शन। तो अगर दो वायर पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्ट करने वाला। इसका मतलब अगर एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो उस तार को पास पास नहीं रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? दूर रखना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? खींच रहे होंगे। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा अट्रैक्टिव फोर्स या केवल एफ लिखो। बच्चों क्या लिखवाओगे? बी माने बी टू आई वन डी एल। अब आप यहाँ पे केवल डी एफ लिख सकते हो, वन टू की ज़रूरत नहीं है। बी टू का मान पढ़ लो, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई टू अपान डी इंटू आई वन इंटू डी एल। फिर आप लिखोगे फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर म्यू नॉट अपान फोर पाई टू आई वन आई टू अपान डी। तो एक आपके पास एक रिजल्ट आया कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कभी भी पूछे तो आप सीधे लिखें, आप म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन आई टू अपान डी लिखेंगे, ये रिजल्ट आया। तो बच्चों अगर मैं अब लिखूंगा कि फोर्स ऑन वायर ऑफ लेंथ एल, अगर मान लो कोई वायर, हम लोग कोई वायर ले लें, चाहे इधर का ले लें चाहे उधर का ले लें, हम लेंथ एल वायर लेते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो उस पर एफ का मान क्या लिखोगे? म्यू नॉट अपान फोर पाई टू आई वन आई टू अपान डी इंटू एल, ये फोर्स आ गया, फोर्स ऑन वायर ऑफ लेंथ एल। अब कोई लेंथ दे देगा तो फोर्स निकल पाएगा? यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। एक तो ये इन्फॉर्मेशन हुआ जो एम्पियर ने लिखा था, जो उन्होंने बताया था लोगों कि फोर्स का नेचर कैसा है। अट्रैक्टिव है, इसलिए अट्रैक्टिव है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। बच्चों इसके रिगार्डिंग आप ये मेरे को बताना, जैसे मान लो कि ये लॉन्ग वायर दोनों है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे आ रही है, इसमें करंट ऐसे जा रही है और इसमें करंट ऊपर ही जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अगर यफ यहाँ होगा तो यफ यहाँ भी होगा, और ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ भी फोर्स एफ होगा, यहाँ भी फोर्स एफ होगा। तो रिपल्शन कब होगा और अट्रैक्शन कब होगा? जब एंटी पैरेलल करंट फ्लो करेगा तो उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब ये जो फोर्स है वो इंट्रैक्शन फोर्स है, इंट्रैक्शन फोर्स है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इंट्रैक्शन फोर्स है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एफ वन टू निकालें और एफ टू वन निकालें तो दोनों का सम मस्ट बी जीरो। दोनों का सम क्या होगा? जीरो। मान लो कि वेक्टर में ऑप्शन दे दिया, बोलेगा कि दो वायर है, दोनों पे ये फोर्स लग रहे हैं, तो क्या सही है? तो दोनों का सम हमेशा जीरो होगा। अगर हम इसे एफ वन कह दें, इसे हम एफ टू कह दें, तो ये सम जीरो होगा। इसका मतलब एफ वन बराबर माइनस एफ टू होगा, दोनों बराबर होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा। मतलब अगर ये एफ वन है और ये एफ टू है, अगर ये एफ वन है ये एफ टू है, उसी के लिए मैं अगर लिखा हो तो फिर यहाँ पे लिखोगे तो फिर एफ वन बराबर एफ टू होगा, क्योंकि ये तो वेक्टर के साथ इक्वल नहीं होगा, वेक्टर के साथ इक्वल नहीं होगा, लेकिन अगर वेक्टर हटा दिया जाए तो इक्वल होगा। पर वेक्टर के साथ वो इक्वल नहीं होगा क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन भी आ जाएगा,
तो बच्चों ये एम्पियर ने ओरिजिनली अपने बुक में लिखा है, इतनी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद उन्होंने एक एग्जांपल, सब लोग रेडी हैं, आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उधर हो गया। बड़े अब एक एग्जांपल आपको ऐसे समझने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे ये मैंने स्प्रिंग लिया, और इस पॉट में मरकरी है, ये मरकरी है, और इधर यहाँ से वायर निकाला मैंने, ये ले आया और ये बैटरी लगाया और ये जोड़ दिया। यहीं पे जगह थोड़ा दिख रहा है तो यहाँ ओपन कर दिया जाए और ये स्विच लगा दिया जाए, स्विच लगा दिया। और बच्चों इधर ग्रेविटी काम कर रहा है, ये मरकरी है यहाँ पे, और ये जो बॉडी है ना, ये वाला ये बॉडी है, इसका कोई मास उसकी ज़रूरत नहीं है, बस हो गया, ये कुछ मास तो होगा ही। और अब ये आपसे सवाल में पूछा है कि अगर स्विच को क्लोज कर दिया जाए तो ये जो ब्लॉक है मरकरी में और ज़्यादा डूब जाएगा कि मरकरी के ऊपर उठ जाएगा, मतलब मरकरी में और डूब जाएगा या मरकरी से बाहर निकल जाएगा। अब आप लोगों को इतना समय लग गया, आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा है, और गैल्वेनोमीटर में मैं उस समय यही बोला था कि गैल्वेनोमीटर माने स्प्रिंग, स्प्रिंग से ही मैंने बनाया था कमर्शियल गैल्वेनोमीटर, उसको मैंने स्प्रिंग से बनाया था। एक भी लेक्चर छोड़ना मत, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी नहीं है, और उसे सही से पढ़ना, ईश्वर ने जन्म दिया है इसलिए उसको सही से पढ़ लेना, नहीं तो पढ़ोगे कब, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा बिना फिजिक्स के, और बिना फिजिक्स के लाइफ ही व्यर्थ हो जाता है, इसलिए उसे पढ़ना जरूर, और एग्ज़ाम के पहले पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम में फ़ायदा हो जाएगा, नहीं पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो चाहे मेडिकल के फील्ड में जा रहे हो, आपको फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, और अगर पहले पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम में नंबर बढ़ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए कोई भी लाइन छोड़ेंगे नहीं, कैसे भी हो, कैसे भी कर पाएँ, मैनेज करें, करें पढ़ें। अब उस समय मैंने क्या बोला था बच्चों कि अगर ये स्प्रिंग है, गैल्वेनोमीटर वाली बात में मैं आपने बोला नहीं इसलिए कि आपको बोलना था, अगर वो स्प्रिंग है और ऐसे करंट जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, तो करंट क्या हुआ, हर लूप में एक ही डायरेक्शन में है, तो दे विल अट्रैक्ट। तो जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो वैसे ही ये स्प्रिंग क्या करेगा, कंप्रेस होगा, तो कंप्रेशन इन स्प्रिंग। मैंने स्विच क्लोज कर दिया और स्विच को क्लोज करते ही स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो बच्चों अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन इन स्प्रिंग, तो फिर ये ब्लॉक मूव अप ऊपर उठ जाएगा, और जैसे ही ब्लॉक ऊपर उठेगा मरकरी से बाहर निकल जाएगा, मरकरी से बाहर निकल जाएगा करंट जीरो हो जाएगा, और जब करंट जीरो हो जाएगा तो एमजी फिर से खींच लेगा, फिर से मरकरी में आ जाएगा, जैसे ही मरकरी में आएगा फिर करंट आ जाएगा, फिर ऊपर उठा के कर देगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे, हो गया तमाशा शुरू, मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। स्प्रिंग है तो kx लगेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, इसका मतलब मोशन कैसा हो जाएगा, ऐसे जाओ। अब टाइम पीरियड अगर पूछे तो t बराबर 2π अंडर रूट m बाई k, हैं, अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी नहीं पढ़े हो,
एक भी लाइन छोड़ना मत, पढ़ना सब है। देखो धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, एग्जाम के 10 घंटा पहले तक पढ़ाऊँगा। पढ़ के सब जाना, कोई चीज़ छोड़ना मत, मैं पहले ही बोला है, नहीं बाद में सिलेक्शन हो जाने के बाद भी पछताओगे कि मैंने क्यों छोड़ा था। एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है, सब पढ़ाता मैं, कोई चीज़ छोड़ता नहीं। अब स्प्रिंग में कंप्रेशन हो गया और इसके बाद फिर ये नीचे ऊपर ऑसिलेट करेगा, तो अगर मैंने पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट विल परफॉर्म, तो बच्चों ये क्या होगा? ऑसिलेटरी होगा। ऑसिलेटरी में कौन वाला होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। टाइम पीरियड का मान पूछेगा तो टी बराबर 2π अंडर रूट एम अपान के होगा। समझ आ रहा? इस तरह से एसएम करेगा। आपसे केवल इतना ही पूछता है कि जब स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? वो ब्लॉक या तो डूब जाएगा या तो ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा, इसी में आपको नंबर मिल जाएगा, ये सब नहीं पूछा जाएगा। जानना चाहिए बस, पूछा उतना ही जाता है। अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं आप। अब एक दूसरा सवाल लेते हैं इसी पे बेस्ड। बच्चों एक बार एक जो फार्मूला है ना उसे एक बार आप पढ़ो, मैं लिखूं। बताओ भाई एम्पियर के हिसाब से फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है? म्यू नॉट अपान 4π 2I1 I2 अपान डी। अबे यहाँ यल लिखा है ना फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो बता रहे उधर यल निद्रा में रहते हैं क्या हरदम? ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये पूछेंगे तब होगा ना इनटू यल, हाँ बोलते रहते बिना सोचे समझे, मतलब जो लास्ट में लिखे रहते वही बोलते हो, उसे कॉपी में देखते रहते हो। अच्छा यही आखिरी मारा है तो यही पूछा जा रहा होगा, हा? चलो ये हुआ। अब इसमें अगर ये लिखा जाए कि I1 का मान I2 का मान 1 एम्पियर हो और दोनों वायर के बीच का सेपरेशन 1 मीटर हो, तो बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? आप लिखोगे तो 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होगा। सब लोग देख रहे हो म्यू नॉट अपान 4π×10⁻⁷ हो गया और उधर 2 बचा रहेगा, I11 हो गया, I21 हो गया, D1 हो गया, तो यही तो आएगा। आपने जब क्लास 9th में एडमिशन लिया तो पहले चैप्टर में सारी डिफिनीशन लिखा है कि मीटर क्या है, किलोग्राम क्या है, उसमें कहानी भी लिखा है कि पेरिस में इस नगर में ये बक्सा रखा, डब्बा रखा, इतना प्लेटिनम, इतना इरिडियम, ऐसे सब पढ़ाया है। उसी में एम्पियर की डिफिनीशन भी पढ़ा था। तो 1 एम्पियर करंट क्या है? तो उसमें लिखा है कि 1 एम्पियर इज़ दैट करंट विच प्रोड्यूस 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर विच आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। 2 पैरेलल वायर अगर उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो 1 एम्पियर वो करंट है जो इतना फोर्स पर मीटर डेवलप कर सके। तो ये डिफिनीशन यहीं का वहाँ लिखा हुआ था। तो ये जो पीला वाला डिब्बा है इसे में लिख लो अभी जो बोला है कि 1 एम्पियर करंट क्या है। 1 एम्पियर तो करंट विच प्रोड्यूस टू इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर बिटवीन 2 पैरेलल वायर विच आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। विच आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर।
सेपरेटेड बाई 1 मीटर, ये 1 एम्पियर की डिफिनीशन हो गई। तो बच्चों डिफिनीशन से मतलब चलो ठीक है आ गया कि 1 एम्पियर में ये नंबर कभी कभी पेपर में आ जाता है कितना फोर्स डेवलप करेगा, तो बच्चे वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो तो आप अभी देखे रहोगे तो ध्यान रहेगा कि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लिखा हुआ था। अब आप इसको यूज़ कैसे करोगे, न्यूमेरिकल की तरफ ले जाएं, तो पहला सवाल आपको ये लगाना है। बच्चा लोग सुनो इधर, अब ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, मान लो I1 करंट फ्लो कर रही है। इधर एक प्लेटफॉर्म है फ्रिक्शनलेस, ये कांस्टेंट करंट जनरेटर है, कांस्टेंट करंट जनरेटर, जैसे जनरेटर होता है ना करंट, वोल्टेज जनरेटर, पावर जनरेटर, ऐसे मैंने एक जनरेटर बनाया देश में जिसमें कांस्टेंट करंट आएगी। तो लिखा है कि कांस्टेंट करंट जनरेटर, और ये जो करंट इसमें जनरेट कर रहा है वो I2 है, और ये एक वायर रखा हुआ है इसी प्लेटफॉर्म पे। बच्चों ये वायर है, इसमें करंट हम किधर फ्लो करा दें, इधर फ्लो करा देते हैं ऐसे, हाँ रुको कलर बदल दूँ, ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है I2। अब सर्किट क्लोज है, करंट I2 फ्लो कर रही है, और एक वायर ये है, एक वायर ये है, x बराबर d पे है। अब आप ही बताओ, और ये इनफाइनाइट है, ये फिक्स है, और ये फ्री है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस। तो बच्चों अगर यहाँ पे इनके बीच का जो सेपरेशन है ना,